नमस्कार मित्रों, भारत के सभी जनता, जितने भी राज्य हैं भारत के, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन, आप लोगों के समक्ष मैं इस वैश्विक महामारी में दो शब्द संदेश देने के लिए, जागरूक करने हेतु आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। आज इस वैश्विक महामारी में पूरे विश्व में बड़े स्तर पर लोगों की परेशानियाँ बढ़ते जा रही है, इसी प्रकार हमारे भारत देश में भी कई राज्यों में स्थिति और भी नाजुक बनते जा रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, मैंने कई एक्सपर्ट डॉक्टर से अपने स्तर पर बातचीत कर जानकारी ली कि इस पैंडेमिक, इस महामारी पर किस प्रकार संयम, किस प्रकार रोक, किस प्रकार रोका जा सकता है। सबसे पहली बात ये है कि मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप स्वयं जागरूक हों, और कोरोना एक फ्लू की भांति काम कर रहा है, लेकिन बहुत ही घातक है, जानलेवा है। आप अपने मानसिक अवस्था को स्वस्थ रखें, चिंतित ना हो कि हमें कोरोना हो गया है, हमारा जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आ गया है। लोग इसी चीज़ को दहशत में लेकर ज़्यादा जी रहे हैं अभी, लेकिन इस चीज़ को आप समझें। कई बड़े डॉक्टर्स ने इस बात को कहा है कि आपको घबराना नहीं है, आपको इससे लड़ना है। दूसरी बात, आप जितना मानसिक तौर पर खुश रहने का कोशिश करेंगे, मन नहीं लगता है तो आप मूवी देखिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। मान लीजिए कि घर में किसी को हो गया है, आप होम क्वारंटीन में हैं, आपको चिकित्सक ने सलाह दिया कि आप नियम अनुसार इस दवाइयों का पालन नियमतापूर्वक करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज़ को देखते हुए, समझते हुए, मैं भी अपनी ओर से आप सभी से अपील करता हूँ कि सबसे पहले कि घबराहट अंदर से पैदा ना हो। घबराहट होगी तो बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी। खुश रहने का कोशिश करें कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन का जो संकल्प है, मेरी जो सोच है, मैंने सपना जो देखा है भविष्य में, ये काम करने का, ये बनने का, आप हमेशा उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक कभी ना सोचे कि अब क्या होगा, मेरे को पॉजिटिव आ गया है, एकदम इस चीज़ को मन से निकाले। और नियमानुसार दवाइयों का सेवन करें, गला में खराश है तो गार्गिल करें, 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम अवश्य करें। मैं एक जानकारी और दूं, कई लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, तो जब सांस लेने में परेशानी हो तो आप उस स्थिति में पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखें, उसे आप अपना नाप करें, 92-93 अगर होता है, 94 होता है, घबराने की बात नहीं है। पेट की बल आप लेट जाएं और माथे पर तकिया रखें, पेट पर तकिया रखें और पैर के घुटने पर तकिया रखें, आधा घंटा से 45 मिनट इस अवस्था में रहे। आपका फेफड़े का श्वसन प्रक्रिया सुचारू रूप से पुनः ऑक्सीजन प्राप्त करने लगेगा। ये बहुत ही अच्छा संदेश है, डरना नहीं है, और इस लड़ाई से हम सभी को लड़ना है, और अपने अंदर हमेशा सकारात्मक सोच बना कर रखें। मैं इस वैश्विक महामारी के माहौल में जिला पुलिस प्रशासन, देश के सभी राज्यों के जिला पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी
जो ये वैश्विक महामारी है, लोग खुद मानसिक तौर पर भी परेशान हैं। आप जब भी पेट्रोलिंग करें, जब भी लोगों के बीच में आप देखें कि मास्क नहीं पहन रहा है, तो शालीनता पूर्वक उनसे व्यवहार जरूर अवश्य करें। किन्हीं को मारे नहीं, किन्हीं को पीटे नहीं, क्योंकि कुछ कुछ खबरें ऐसी आ रही है जो कि बहुत दुखद बात है, ये नहीं होनी चाहिए। इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दें और उन्हें मोटिवेट करें। मास्क जो पहनने का तरीका है, मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से है, पूरे नाक को ढकना है, अपने नाक को पूरी तरह से, मुंह को पूरी तरह से ढकना है। ये नहीं कि नाक ऐसे खुला हुआ है और आप बाज़ार में भ्रमण कर रहे हैं, तो मास्क भी पहने हैं लेकिन इसका नियम गलत हो रहा है, तो इससे महामारी आपके अंदर श्वसन प्रक्रिया द्वारा जा सकती है। तो कृपया इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। सैनिटाइज़र का यूज़ करें, कभी भी किसी से भी रास्ते में मिलते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं तो घर पर आए, सारे सब्जी को सामानों को धोएं, अपने कपड़े को घर के बाहर ही रखें, हो सके तो उसे एक दो घंटा धूप में दे दें। और ये लापरवाही अगर आप करते हैं कि कपड़ा पहन के ही डायरेक्ट घर में प्रवेश करते हैं, तो अपने साथ साथ परिवार जनों को भी आप इस संदेह के घेरे में ला सकते हैं। इसीलिए मैं पुनः सारे डॉक्टर, जितने भी देश के सारे चिकित्सक हैं, मैं उन्हें भी विनम्र विनती कर अपील करता हूं, अगर कोई भी पेशेंट आपके दरवाज़ा पर आता है, आपके डिस्पेंसरी पर आता है कि साहब मुझे कोरोना पॉजिटिव निकला है और अस्पताल में कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, बहुत स्थिति भयावह है, ऐसे कंडीशन में कम से कम उसे आप प्रिस्क्रिप्शन पर अंदर से ही दवाई लिखकर उनके अटेंडेंट को समझा दे, खाने का तरीका समझा दे, आप इस प्रकार भी रोगियों को मदद कर सकते हैं। आप अगर ऐसे मदद करते हैं, ऐसी बातें अगर हर एक डॉक्टर करेंगे, तो ये तय है कि सब लोग मिलकर, हम सभी लोग मिलकर महामारी से लड़ सकते हैं। कई चिकित्सक जैसे ही कोई आते हैं कोरोना पॉजिटिव, तो उन्हें दरवाज़ा से ही भगा दे रहे हैं, सुनने को आ रहा है, कृपया आप उनसे ना मिलें, ये बात सही है, परंतु उनके साथ जो व्यक्ति है उनको यह सलाह दे कि आपको ये दवाई खाइए और इसको इस नियम अनुसार खाएं। आप इस प्रकार भी, डॉक्टर साहब आप सभी इस प्रकार भी ऐसे अमुख व्यक्तियों को आप मदद कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर से भी मैं विनम्र विनती करता हूँ कि जो भी गाइडलाइन है दवाओं का सरकार द्वारा, अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके पास दवाई लेने आता हो, तो आप उन्हें अपने स्तर से, अगर वो देने में सक्षम नहीं है पैसा, तो अपने स्तर से कम ऐसे गरीब लोगों को आप भी मदद करें, आप भी बढ़ चढ़ कर इस महामारी अभियान का हिस्सा बने। इससे हम सभी लोग मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोरोना उसके घर में है तो दूसरे के घर में जा सकता है, तीसरे के घर में जा सकता, आपके घर में भी आ सकता है। तो इस बिंदु पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। डॉक्टर, प्रशासन, मेडिकल के जितने भी दवाई खाना हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस अभियान में एकदम चरणबद्ध तरीके से, समझदारी पूर्वक लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर इस महामारी से लड़ने का संकल्प लें। इसी बिंदु के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से हम सभी लोग मिलकर इस महामारी से ज़रूर निजात पाएंगे। पहले भी जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जागरूक करता हूँ कि आप इसके प्रति सजग रहे और लोगों के प्रति एक दूसरे को सही रूप में आप अपना संदेश देते रहें। धन्यवाद।